असलम एमवरी वन कैसे हैं आप लोग तो यार मुझे बहुत सी बहनें कह रही थी कि हमारी एक्नी का मसला है और फाइन लाइन्थ का मसला है लॉफ लाइन्थ का मसला है रिंकल एंड सो ऑन तो यहाँ पर ना मैं आप लोगों को एक मास्क बताती हूँ सबसे पहले हमने इसके लिए बनाना ले लेना है हाफ बनाना ले लें साथ में हमने एवरीडे का छोटा पैकेट ले, ले लेना साथ में हमने वन टेबल स्पून राइस फ्लोर ले, ले लेना ठीक है जो हम इसमें बनाना ऐड कर रहे हैं ना वो आप लोगों की स्किन के लिए इतना बेनिफिशियल इंग्रीडियंट है ना अगर आप इसे खाते हैं तो भी और लगाते हैं तो भी आप लोगों को सबको पता होगा कि बनाना में ना ए एंड सी होता है जो असेंशियल्स होते हैं आप लोगों की हेल्दी स्किन के यूथफुल लुकिंग स्किन के और यंग स्किन के और जो वायरामिन नहीं होता है ना वो आप लोगों की ना फाइन लाइंस को रिंकल्स को लॉफ लाइंस को ना रिड्यूस करता है ठीक है और जो हमने इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया ना वो रिच इन लैक्टिक एसिड होता है जो कि आप लोगों की स्किन को ना क्लिनस करता है ब्राइट करता है और आप लोगों की स्किन को ना लाइटन करने के साथ साथ ना आपकी स्किन को वाइटामिन और मिनरल्स देता है जो कि आप लोगों की स्किन को ना प्योरीफाई करते हैं तो ये जो मिल्क पाउडर होता है ना वो आप लोगों की स्किन के लिए इतना बेनिफिशियल है ना मतलब आप लोगों की स्किन को एकदम से क्लिन क्लींस कर देता है और इवन कि आप लोगों की स्किन पर अगर ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स है ना तो उनको भी रिमूव कर देता है ये तो ये अगर आप अपनी डेली रूटीन में रखते हैं ना तो आप लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा क्लिन हो जाती है और जो राइस फ्लोर हमने इसमें ऐड किया राइस के तो इतने बेनिफिट्स हैं ना मैं आप लोगों को भी आगे चल के ना राइस का टोनर भी बनाना सिखाती हूँ तो यहाँ पर बहुत इजी टोनर है टू वे से बनता है लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को ना एक तरीके से बनाना सिखाने लगी हूँ और किसी दूसरी वीडियो में ना डिटेल से बनाना सिखाऊंगी ठीक है तो यहाँ पर जो हमने राइस फ्लोर ऐड किया ना वो आप लोगों की स्किन को नेचुरली ब्राइट करता है और ना आप लोगों की स्किन को इवन आउट कर देता है मतलब कि आप लोगों की स्किन को एक जैसा कर देता है किसी की स्किन होती है ना अन स्किन टोन जिसे कहते हैं यहाँ आप लोगों की स्किन पर डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं तो वो भी ख़त्म करता है इसमें ना विटामिन सी होता है जो कि बहुत अच्छा होता है आप लोगों की स्किन के लिए और आप लोगों को ना इंस्टेंट ब्राइटनिंग इफेक्ट दे देता है तो राइस फ्लोर के और राइस वाटर के इतने फ़ायदे ना कि इस पर मैं एक डिटेल से वीडियो किसी दिन आप लोगों के लिए बनाऊँगी तो यहाँ पर हमने अपने फेस पर जनाब ये मास्क लगा लेना ये इतने मज़े का मास्क है ना इसकी खुशबू इतनी प्यारी है ना कि जब आप लोग ये लगाएंगे ना तो आप लोगों को मज़ा आ जाना मतलब कि बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को इसको स्मेल करके इसको अपने फेस पर लगा के और जब आप इसे वॉश करेंगे तो आप लोगों की स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाएगी ना और आप लोगों को ना खिंची खिंची सी अपनी स्किन लगेगी टाइटन लगेगी और ब्राइटन लगेगी तो अगर आप लोग ये रेमिडीज़ यूज़ करते हैं ना तो यार मैं कहती हूँ आप लोगों को कभी ब्लीच की जरूरत नहीं पड़ सकती इवन कि मैं भी इतनी देर गुजर जाती है ना तो ब्लीच ही नहीं करती क्योंकि अब ब्लीच की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती मतलब कि वैसे ही ना जो आपका फेस है इतना ब्राइट ब्राइटन अप लगता है ना तो ब्लीच की तो जरूरत नहीं होती तो अगर आप लोग भी अपनी स्किन रूटीन में ये रखते हैं ना तो मैं कहती हूँ आप लोगों को भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो यहाँ पर देखिए आपकी ना स्किन एकदम से आ, टाइटन हो जाएगी लेकिन मॉइस्चराइज रहेगी ठीक है हाइड्रेट भी रहेगी जब आपने ये मास्क लगा लेना है ना उसके बाद आप कोशिश करें कि आप कोई टोनर अपने मुंह पर अप्लाई कर लें या फिर रोज़ वाटर अप्लाई कर लें ठीक है यहाँ पर मैं आप लोगों को राइस वाटर बनाना सिखाती हूँ एज अ टोनर भी आप लोग उसे यूज़ कर सकते हैं और इसके इतने फ़ायदे हैं ना अब बेशक आप लोग अपने बालों पर लगा लें या मुंह पर लगा लें यहाँ पर ना जब चावल बॉयल कर रहे होते हैं ना आप लोग अपनी मदरस को भी कह सकते हैं कि जब राइस बॉइल कर रहे हो तो हमारे लिए पानी निकाल दें लेकिन नमक ऐड करने से पहले ठीक है या फिर आप लोग दो चम्मच चावल लें उसमें पानी ऐड करें और उसे बॉयल ले ठीक है दो चार बॉयज आएंगे तो जो पानी रह जाएगा ना उसको आपने किसी बोतल में स्टोर कर लेना और ठंडा करके अपने फ़ेस पर यूज़ करना ये देखें ये हमारा पानी जो है वो स्टोर हो गया क्योंकि ये मैं बालों पर भी यूज़ करती हूँ तो बालों के लिए मैं आप लोगों को बताऊँगी कि ये कैसे यूज़ करना है फ़ेस के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया है इसको आप लोगों ने फ्रीज़र में रख देना फ्रिज में ठंडा हो जाएगा ना जब जा यह आप लोगों ने अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है और आप लोगों की जो पोर्स है ना वो श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे अगर आप लोगों के डार्क स्पॉट्स हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे अगर आप लोगों की यखनी है तो वो भी ख़त्म होने लग जाएगी तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट फिर से आप लोग ज़रूर यूज़ करें तो आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो बेनिफिशियल होगी अगर होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर अल्लाह हाफिज़ बाय